यूपी के महाराजगंज जिला प्रशासन ने पिछले हफ्ते अवैध रूप से चल रहे अस्पतालों के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी की थी, लेकिन लगता है कि छापेमारी रुकने के साथ ही अवैध अस्पतालों का संचालन फिर से शुरू हो गया है। जनपद के फरेंदा क्षेत्र से ऐसा ही उदाहरण सामने आया है, जहां अवैध रूप से संचालित हो रहे ग्लोबल हॉस्पिटल में इलाज के दौरान महिला मरीज की मौत हो गई। अस्पताल और डॉक्टरों पर इलाज में कोताही बरतने का गंभीर आरोप लगा है। मृतक महिला के परिजनों ने जमकर हंगामा किया तो मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची। जांच में अस्पताल संचालन के लिए जरूरी सभी कागजातों को न दिखा सका, जिसके बाद ग्लोबल हॉस्पिटल को सील कर दिया गया। लेकिन सील होने से पहले अपने मरीज पर मौत की मोहर लगाने वाले ग्लोबल अस्पताल के खिलाफ आगे क्या कार्रवाई होती है, यह देखना अभी बाकी है। हमारी माता जी का तबीयत ख़राब था, रात में सुबह में भर्ती किए इनके यहाँ, और ये कहें कि सब कुछ ठीक है, सब सही चल रहा है और ठीक हो जाएंगी। उसके बाद दो ही मिनट में बोलना कि जल्दी जल्दी लेके भागो यहाँ से निकालो। हम कहें कि अगर रेफ़र करना हो तो अभी एम्बुलेंस बुला दे, गाड़ी आ जाए, तब हम करें। ये लोग तुरंत ही माता जी को पूरा बाहर निकाल दिए, नहीं कि मतलब वेट कर ले कि कुछ आने तक की, यहाँ तक कि बता भी नहीं रहे कि क्या हालत है, कैसा है, कि मतलब है कि नहीं है, कुछ भी नहीं बताएं। सीधे स्ट्रेचर पे इसे लिटा के सीधे बाहर कर दिए। एक मरीज आया है सुबह 10 बजे के लगभग, 10:30 के लगभग, जो कि पहले दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट था, वहाँ से उन्होंने डॉक्टर साहब ने रेफ़र किया है। वो मरीज़ को यहाँ लेके आए हैं, अपने इच्छा अनुसार वो लेके आए हैं। मरीज का जो अटेंडेंट बताए हैं कि 5-6 बार इनका पेट झरा था, रात में बुखार भी आया था। मैंने अटेंडेंट को नीचे बुलाया बताने के लिए कि ये कार्डियक का प्रॉब्लम है, इनको लेते जाइएगा। तब तक अचानक उनको बता भी नहीं मैं पाया ये सब चीज़ें, तब तक पेशेंट कंडीशन सीरियस हो गई और मैंने कहा यहाँ से लेते जाइए, मेडिकल कॉलेज लेते जाइए गोरखपुर, और इसी दौरान मरीज की मृत्यु हो गई। जिम्मेदारी हॉस्पिटल मैनेजमेंट रहेगा उस चीज़ के लिए। ग्लोबल हॉस्पिटल ढाणी ढाला तहसील फरेंदा में स्थित है। यहाँ पर दोपहर में एक महिला बासमती मौर्या, जो बीएसएनएल में कर्मचारी थी, उसकी हार्ट अटैक से मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई। उपेक्षापूर्ण तरीके से इलाज के दौरान मृत्यु हुई। यहाँ पर सूचना पाने पर प्रभारी निरीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फरेंदा, मैं, सीओ साहब, इंस्पेक्टर फरेंदा, सभी लोग यहां पर उपस्थित आए। एक सीएससी प्रभारी एसपी सोनकर के द्वारा थाना फरेंदा में एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। इसमें जो भी अवैधानिकता है, जो भी दोषी है, उन सबके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज़, फरेंदा, महाराजगंज।